उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने सोमवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। सहकारी कर्मचारियों ने कहा कि बकाया मानदेय सहकारी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने और 62 वर्ष आयु तक कार्य करने की सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर भारी संख्या में सहकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सहकारी समिति के जिला मंत्री चंद्रभूषण सिंह ने कहा, हमारी मांग है पूरी हो, हमारी मांग है पूरी हो, साकारता जिंदाबाद, साकारता जिंदाबाद, आगे यह लड़ाई है, साकारता यूनियन जिंदाबाद, साकारता यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांग है पूरी हो, हमारी मांग है पूरी हो, हमारी मांग है पूरी हो, हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण सिंह, यूनियन महामंत्री। क्या मांग है जिसको लेके आज आप लोग धरने पे बैठे? हम लोगों की मांग है कि हमें कर्मचारी को तरह राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और हमारे जो बकाया वेतन है, चाहे जो सचिव रिटायर हो गए हैं, जो सचिव अभी वर्तमान में हैं, इतना बकाया वेतन है, उनका बकाया वेतन भुगतान किया जाए। और हमारी हमको कुछ तो मिलता नहीं है, से फंड नहीं करता है, बोनस नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हमारा मतलब वो उम्र 62 साल किया जाए नौकरी का, यह हमारी मांग है। हम लोगों का 1 तारीख को लखनऊ में विधानसभा का घेराव था, धरना प्रदर्शन था, और 2 तारीख से सभी समितियों में तालाबंदी कर हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। आज अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हम लोगों की, जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मान ली जाती हैं, तब तक हम लोगों का हड़ताल रहेगा। प्रमुख सचिव सहकारिता ने दीपावली के बाद प्रदेश यूनियन को बुलाया है, और जब वार्ता ख़त्म हो जाएगी तभी हमारा हड़ताल ख़त्म होगा। अगर हमें हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हम लोगों का हड़ताल परमानेंट जारी रहेगा। हम लोग लक्ष्मीबाई पार्क में धरना दे रहे हैं, सभी लोग पूरे प्रदेश के लोग धरना दे रहे हैं। कोई जिलाधिकारी के यहाँ किसी दिन, जिलाधिकारी के यहाँ किसी दिन, लक्ष्मीबाई पार्क में किसी दिन, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के यहाँ किसी दिन, सचिव महाप्रबंधक के यहाँ, इस तरह से धरना चल रहा है।